समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम समोसे का डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम मैदा लिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 65 ml रिफाइंड ऑयल, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और अजवाइन। अजवाइन आप जब भी डालें अपने हथेलियों पे क्रश करके डालें, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और हमें इसका एक डो बना के तैयार करना है। डो हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम समोसे के लिए डो बनाते हैं तो डो को ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड करते हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। अगर हमने डो बहुत ज़्यादा हार्ड बना लिया तो जब हम समोसे बनाएंगे तो उसकी परत बहुत ज़्यादा मोटी होगी। अगर हमने बहुत ही ज़्यादा डो सॉफ्ट बना लिया तो जो हमारा समोसा है वो तेल ज़्यादा पिएगा। इसीलिए डो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसे बनाएं। ये डो तो हमारा रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे और इसे रेस्ट होने के लिए आधा घंटा तक रख देंगे। जब तक ये रेस्ट होता है तब तक हम समोसे की फिलिंग बना लेते हैं। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल हीट होने रख दिया था और मैंने यहाँ पे 2 tablespoons ऑयल का यूज़ किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 teaspoon हींग, 1 teaspoon धनिया, 1/4 teaspoon सौंफ, 1/4 teaspoon हमें इसे हल्का सेकना है। हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने 4 आलू को बॉईल करके रख लिया है, 3 के मैंने छिलके निकाल दिए हैं और 1 का छिलका मैंने निकाला नहीं है क्योंकि हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं। तो अगर आप ऐसे डालोगे तो इसमें फ्लेवर एकदम ढाबा स्टाइल का आएगा। हमें इसे इस प्रकार से फ्राई कर लेना है। मैंने आलू को मसालों के साथ हल्का फ्राई कर लिया है और हमें बीच बीच में इसे इस प्रकार से थोड़ा मैश कर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon जिंजर गार्लिक और हरे मिर्च को मैंने ये थोड़ा सा क्रश करके रख लिया है, इसमें ऐड कर देंगे। और सेम स्टेज में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1.5 tablespoon गरम मसाला और इसमें एकदम ढाबे जैसा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे और हरी धनिया। मिला ले इसे अच्छे तरीके से। समोसे का फिलिंग हमारा बिल्कुल बनके रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना डिलीशियस दिख रहा है और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और इसकी खुशबू को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये ऑप्शनल है बट इसे डालोगे तो इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आएगा। मिला ले इसे अच्छे तरीके से और हम इसे ठंडा होने रख लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम समोसे प्रिपेयर कर लेते हैं। आटा भी हमारा सेट हो चुका था और मैंने इस प्रकार की इसकी गोलियां बना ली है। चलिए अब हम समोसे को असेंबल करते हैं। मैंने यहाँ पे आटे का ये हिस्सा लिया है, अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। आवश्यकता अनुसार आप यहाँ पे मैदा डस्ट कर लें। और हमें रोटी ना तो बहुत ज़्यादा मोटी बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। मैंने इस प्रकार से इसे बेल लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये तो ना तो बहुत ही ज़्यादा ये थिक है ना ही बहुत ज़्यादा थिन है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है समोसा बनाने का, इसकी फिलिंग करना। तो हमें इसे बीच से इस प्रकार से काट लेना है। अब हमें इसको इधर से फोल्ड करना है, ऐसे रख दें और थोड़ा सा हमें पानी लगा लेना है। और ये दूसरा इस प्रकार जाएगा। हमें इसका एक कोन बना के रेडी करना है। हम इसमें आलू फिल करेंगे। अच्छे
तरीके से फिल कर ले इसे। और हमें फिर से थोड़ा पानी लगाना है ताकि जब हम समोसे फ्राई करें जो समोसा है वो तेल में फटे नहीं। और ये जो हिस्सा है हमें यहाँ पकड़ना है और इसे इस प्रकार से प्रेस करना है और हमें ये सील कर लेना है। अच्छे तरीके से कर ले इसे। और ये देखिए हमारा समोसा तैयार है। मैंने सारे समोसे को इस प्रकार से फिल करके रख लिया है। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। समोसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म होने रख दिया था। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप समोसे फ्राई करें तो हमारा जो तेल का टेम्परेचर है वो थोड़ा लो होना चाहिए। तो इस स्टेज में हम गैस का जो फ्लेम है वो कर देंगे स्लो और एक बार चेक कर लेंगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप उसे पहले थोड़ा ठंडा कर लें। अब हम समोसे को इसमें डालेंगे और हमें इसे बिल्कुल भी अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। एक मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। एक मिनट हो चुके हैं और हमारा जो समोसा है वो एक साइड से थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे धीरे से दूसरे साइड से भी फ्राई कर लें। समोसे हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने डिलीशियस दिख रहे हैं। हमें इसे निकाल लेना है और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारा बेहद ही चटपटा एकदम ढाबे अंदाज में समोसा बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को एंजॉय करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।